शिक्षा के जिससे जीवन में उजियारा है, शिक्षा हमसे छूट गई तो बहनों हमारे आज के अक्षर हैं श और द। अरे अरे इस शेर को देखकर डरो नहीं भाई, ये सचमुच का शेर तो है नहीं, ये तो शेर की एक तस्वीर है जो ये बता रही है कि शेर किस अक्षर से शुरू होता है। ये देखो शेर, और ये देखो अक्षर श। इसकी शक्ल भी शेर जैसी है ना, जरा गौर से देखो, शेर बन जाता है अक्षर श। हाँ तो बहनों, अब तक मैंने तुमको जो अक्षर और मात्राएं लिखने सिखाई वो तो तुमने सीख ही ली होंगी अच्छी तरह से, है ना? सच सच बताओ, वो सब बहुत आसान थी ना? तो चलो, आज मैं तुमको जो अक्षर सिखाने जा रही हूँ वो अक्षर है शा। इसमें पहले बनाया एक गोला, फिर उस गोले से मिलाकर ही एक टेढ़ी लकीर, ये तुम वाली लकीर, ये खड़ा डंडा, उस पर छत वाली लकीर। एक बार फिर देखो, तो अब मैं चलूं, थोड़ी देर में दूसरा अक्षर मिलकर लिखेंगे। हाँ शान, शाम, शान, शान, शाम, शान। ये मशीन तो तुम पहचानती होंगी। हाँ, इससे कपड़ों की सिलाई होती है। मशीन, म श ई न, मशीन। अरे मौसी, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी दुकान बंद कर रही हो? जो जी में आएगा करूंगी, मेरी दुकान पर किसी की नौकर ना हूं। लगता है चने के साग में मिर्च तेज हो गई थी, तभी तेरा माथा गर्म है। अच्छा, मेरा माथा ठंडा करने को क्या तू बेल का शरबत लेकर के आएगा? बस मौसी, आज ही लो, चिट्ठी बांट कर जमाऊंगा, तेरे लिए बेल पत्थर लेता आऊंगा। अरे मुझे किसी चीज की कमी ना है, किसी का ऐसा ना लिया कभी मैंने, मतलब ये बात है तो जरूर लाऊंगा। देख मौसी, तूने कभी सब्जी के पैसे लिए हैं मुझसे? अरे तो वो तो मैं इसलिए ना लेती हूँ कि तू मेरी प्रेम की चिट्ठी लावे है, मनी ऑर्डर लावे है। मनी ऑर्डर? हाँ हाँ, सब जानू मनी ऑर्डर। मगर मौसी, चिट्ठी लाना तो मेरा काम है, सरकार पैसा देती है मुझे। अरे तो चिट्ठी पढ़ के भी तो सुनावे है तू, उसके लिए तो सरकार पैसे ना देती। लगता है कोई और रख लिया है तूने, प्रेम की कई चिट्ठियाँ आ चुकी हैं मगर तूने मुझसे एक भी ना पढ़वाई। रख तो लिया पर नाम ना बताने की। इस गांव में है ही कितने पढ़े लिखे, लाओ मैं उंगलियों पे गिन दूं। मास्टरनी जी पढ़ती है ना। अब तू लगाता रह कर, नाम तो मैं ना बताने की। अब जा तू चिट्ठी बांट जाके, मुझे हैरान मती करे, दुकान बंद करनी है मुझे जल्दी। मौसी, जब तक तू ये नहीं बताएगी कि दुकान बंद करके कहाँ जा रही है, मैं भी नहीं जाऊँगा। अच्छा, पैसे तो जमाने भर की खबर रहे तुझे, याद ना? अरे सुधा की गोद भराई आज। अरे हाँ मौसी,
मैं तो भूल ही गया था, अब चलता हूँ, जल्दी से चिट्ठियाँ बांटकर वापस आता हूँ। हाँ जल्दी पहुँच जाइयो, मगर याद रखियो, हाँ 3 दिन से प्रेम की चिट्ठी ना आई है, और कल तक ना आई चिट्ठी तो फिर तू देख लियो। तू फिक्र ना कर मौसी, चिट्ठी जरूर आएगी, अगर प्रेम ने ना लिखी तो मैं खुद लिखकर लेता आऊंगा। ये है दिया, पर अब इस दिए को थोड़ा सा घुमा दे तो ये बन जाता है अक्षर द। अब जब भी दिया जलाओगी तो तुम्हें याद आएगा अक्षर द। और भाई दिया शुरू भी तो अक्षर द से ही होता है ना, कितना अच्छा तरीका। लो जी मैं तो फिर आ गई। मैंने भी ठान लिया है कि जब तक मैं तुम सबको सारे अक्षर और सारी मात्राएं नहीं सिखा दूंगी ना, तब तक तो मैं यूं ही आती रहूंगी। तो चलो अब लिखते हैं अक्षर द। ये छोटा डंडा, आधा गोला, बिंदी, दुम और छत वाली लकीर। एक बार फिर देखें। दान, दाम, दाल, दाल, दाम, दान, अ, आए, द, ल, पैदल, पैदल। पैदल, दल दल, दल दल, दल दल, दल दल, दल दल। Thank you.
श आ द ई शादी। शादी खादी राम राम सरपंच जी। हाँ हाँ जीते रहो जीते रहो। आओ बैठो। बहुत बहुत बधाई। बधाई आप सबकी है जी। सुधा मेरी ही नहीं पूरे गांव की बेटी है। बिशन सुधा कितने साल की हो गई? 17 की होकर 18 में लगी है जी। तो देखो 18 साल से पहले चाला मत करना जी। अच्छा। अरे भाई बिशन आजकल तो गांव हो या शहर सारे नागरिक जानकार हैं कि कम उम्र में शादी होने से भला किसी का नहीं है। अरे ये रहीम खान अभी तक नहीं आया? उनकी घरवाली तो आ चुकी है। अच्छा ब्याह में अपनी जेब देखकर खर्च करना मिशन सिंह? मेरे लिए तो पंच परमेश्वर है। जैसा सब गांव वाले मिलकर फैसला करेंगे मैं वही करूंगा। ये सुधा की ससुराल वाले अब तक नहीं आए? कलवा को बैलगाड़ी के साथ सड़क पे भेज दिया। जैसे ही उनकी बस आवेगी वो जल्दी से आके बता देगा। भाई लेन देन का हिसाब पहले कर लेना। वो तो पहले ही हो गई है। राघव नाई ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। शा आ का डंडा मा शाम। शा आ का डंडा ना शान। शा आ का डंडा ला शाल। शा आ का डंडा का शाक। दा आ का डंडा मा दाम। दा आ का डंडा ना दान। दा आ का डंडा ला दाल। बहनों हमें आज सीखना है दो अक्षर ट और व। अरे आदर्श तुम आज किधर से रास्ता भूल पड़े? अरे भाई तुमने तो खबर ही नहीं थी तो हमने सोचा कि चलो हम ही मरीज को दिखाएं। ऐसी बात नहीं आदर्श, मैं जरूर आती लेकिन पिछले दिनों कुछ स्कूल में व्यस्त थी। और दूसरी बात तो ये है कि तुम्हारी दवा और इलाज से गौरी को इतना फायदा हुआ कि सोचा इत्मीनान से जाऊंगी। ये गौरी कहाँ है? यही कहीं खेल रही होगी। अरे भाई अगर गौरी को इतना आराम था तो कम से कम हमें धन्यवाद तो देने आ ही सकती थी। अच्छा जी अब आपको धन्यवाद की जरूरत होने लगी? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। तुम शायद कहीं जा रही हो? हाँ रहीम चाचा है ना उनके यहाँ आज बेटी पैदा हुई है। कब तक लौटोगी? कुछ कह नहीं सकती। शायद वहाँ कुछ काम हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते तुम भी चलो मेरे साथ। मैं क्या करूँगा वहाँ? अरे बाबा तुम डॉक्टर हो वहाँ पर आज बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे कुछ काम की बातें बता देना उन्हें। अच्छा ये बात है तो चलो। देखो बहनों ये जो टमाटर तुम देख रही हो ना इस टमाटर को अगर छुरी से यूं आधा काट दी और इसके पेट में से ये गूदा निकाल दी तो ये बन जाता है अक्षर ट। और फिर अक्षर ट से ही तो शुरू होता है टमाटर। बस अब तो तुम जब भी टमाटर देखोगी तुम्हें अक्षर ट याद आ जाएगा। क्यों एक बार फिर देखो टमाटर ट। नमस्ते
आज हम लिखना सीखेंगे अक्षर ट। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। द लिखना तो याद होगा, याद है ना? तो ट भी द लिखने जैसा ही है। ये छोटा खड़ा डंडा, आधा गोला, ये छत वाली लकीर, देखा? ये तो बहुत ही आसान है। मटका तो हमारे सामने है, पर मालूम है ये कैसे लिखा जाता है? म ट क आ, मटका। इस मटके में हमने अक्षर रखे थे, पर तुम इसमें साफ पानी ढक कर रख दो। बेटी मुबारक हो रहीम खान। आपको भी मुबारक हो सरपंच जी, अल्लाह ने मेरी सुन ली। बेटा पहले ही था, अब बेटी भी हो गई। मेरा कुनबा तो पूरा हो गया। अरे रहीम, बेटी होने का अफसोस तो नहीं है तुझे? चलो अब की बार बेटा हो जाएगा। नहीं पंडित, मेरे लिए लड़का लड़की एक बराबर हैं, दोनों उसी की देन हैं। शुक्र है खुदा का कि माँ बेटी दोनों ठीक हैं। और हाँ, तीसरा नहीं अब। रहीम यार, चिट्ठियां बांट बांट के बड़ा समझदार हो गया है तू। अजी क्यों ना हो, क्यों ना हो, सबके घर जाता है, सबकी दशा दुर्दशा देखता है। रहीम, तेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? स्कूल से आता ही होगा पंडित, तभी तो दोनों बच्चों की उम्र में 5 साल का अंतर रखा है। एक पूरा पल जाए तभी दूसरे की फिक्र हो। हाँ, दूसरे के बाद तीसरे की फिक्र फिर कभी ना हो। ये वीणा जो तुम्हारे सामने है ना, क्या तुमने सोचा है कि इस वीणा की शक्ल अक्षर व से किस तरह मिलती है? देखो, अगर हम इसके दोनों थुम्बे मिलाकर एक कर दें, तो ये बिल्कुल अक्षर व बन जाता है। ये बजाने वाली वीणा जो अक्षर व से ही शुरू होती है, और इसकी शक्ल भी दोनों थुम्बे मिलाकर अक्षर व जैसी दिखाई देती है। एक बार फिर देखो, वीणा व। लो भाई, इस तरह हम लिखते रहे मिलकर तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे अक्षर व। ये तो बहुत ही आसान है, इसको इस तरह लिखें। पहले एक पूरा गोला बनाया यूं, फिर उस गोले से लगाकर एक खड़ा डंडा, और फिर वही छत वाली लकीर। एक बार फिर। ये बन गया अक्षर व। कैसा लग रहा है नए नए अक्षर सीखना, मात्राएं सीखना? अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुमको नए नए अक्षर और नई नई मात्राएं सिखाना हर रोज। अब तो तुमको बहुत होशियार बना दूंगी मैं। जब बीमार होते हैं तो दवा लेते हैं ना, दवा।
द व आ दवा। शुक्रिया चाचा, ये डॉक्टर साहब हैं। अच्छा अच्छा, आपकी गौरी है ना, उसका इलाज इन्होंने किया। रहीम चाचा हैं, इन्हीं के यहाँ बिटिया हुई है जी। मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए जी। धन्यवाद चाचा, बिटिया ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं उसे देखा। ठीक है, तुम जाओ अंदर। अच्छा, तो आप ही मास्टरनी जी के मेहमान हैं। टिकट, ट, छोटी ई की मात्रा, क, ट, टिकट। ये इतने बहुत से पेड़ जब एक साथ हो तो समझ लो कि ये बन गया वन। व न वन, वकील। व क ई ल, वकील। वकील जो मुकदमे लड़ते हैं। ये टीवी है जिसमें तुम प्रोग्राम देख रही हो। त, ई, व, ई, टी, वी। टीका बच्चों को बहुत सी बीमारियों से बचाने का आसान उपाय। ट, ई, क, आ, टीका। ये सुई देकर घबराओ नहीं, ये तो चींटी के काटने से भी कम तकलीफ देती है, मगर कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाती है। इसलिए बच्चों को टीका लगवाने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। टीके जरूर लगवाने चाहिए। पूरी दुनिया की बात अगर हम ना भी करें तो केवल कुछ ही देशों में हर साल 50 लाख बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। पूरी दुनिया में तो इससे भी ज्यादा बच्चे मरते हैं। ये तो बड़ा अन्याय है बच्चों के ऊपर। आपने ठीक ही कहा, ये बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि वो अधिकतर रोग जिनसे कि बच्चे मरते हैं वो रोग ऐसे हैं कि अगर हम जरा सा भी ध्यान दें तो उन रोगों से बचा जा सकता है टीके लगवाकर। आप लोगों को मालूम है कि वो रोग कौन कौन से हैं? एक तो है तपेदिक और दूसरी काली खांसी। बाकी के दो मैं बता देता हूँ। एक है टिटनेस, जिसमें पूरे शरीर में खिंचाव आ जाता है, और दूसरा पोलियो, जिसमें बच्चे के हाथ पांव सूख जाते हैं और उसे अपाहिज बना देते हैं। राम गोपाल के बेटे को भी हुआ था। मगर ये टीके और दवाएं बचपन में ही देने चाहिए। आमतौर से तपेदिक का टीका और पोलियो की दवा जब आपके बच्चे की उम्र 3 से 5 महीने की हो तभी दें। तपेदिक का टीका इससे पहले भी लगवा सकते हैं। ये सारे टीके सरकारी अस्पतालों में लगाए जाते हैं। और हाँ, जब आपके बच्चे की उम्र 6 से 8 महीने की हो तो उसे पोलियो की दवा भी दें। ये दवा 3 बार देनी पड़ती है, तीसरी बार तब जब आपके बच्चे की उम्र 9-10 महीने की हो। और हाँ, खसरे का टीका 2 साल की उम्र से पहले पहले लगवा लेना चाहिए। अब जहां भी ये टीके लगवाने जाएंगे वहां के डॉक्टर आपको एक कार्ड देंगे, जिस कार्ड पर ये साफ साफ लिखा होगा कि पहला टीका कब लगेगा, दूसरा उसके बाद कब, और तीसरा टीका कब लगना चाहिए। बचपन में थोड़ी सी सावधानी से इन सब रोगों से बचा जा सकता है। आप लोगों को याद रहेगा ना? नट। वा? न वन। त बड़ी ई की मात्रा, व बड़ी ई की मात्रा, टीवी। त बड़ी ई की मात्रा, क आ का डंडा, टीका। व
आ का डंडा बड़ी ई दवाई व क बड़ी ल वकील